हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है संकेत और आज हम देखेंगे म्यूज़िक थ्योरी का सेकंड लेसन, जो कि है टोन्स और सेमी टोन्स। तो बेसिकली हमने बहुत बार सुना होगा, आपने भी सुना होगा कि एक टोन आगे चाहिए, एक सेमी टोन आगे नोट है, ऐसा बहुत बार सुनते हैं। बट हमें कभी कभी समझता नहीं है कि बेसिकली ये कह क्या रहे हैं। तो एकदम सिंपल कंसेप्ट है, आज हम देखेंगे इसे। तो अगर आप एकदम न्यू हो म्यूज़िक में और आपको एकदम बेसिक से सीखना है, तो मैंने ये एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग म्यूज़िक थ्योरी का एकदम बेसिक से सीखेंगे। तो अगर आप एकदम बिगिनर हो तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप जो पहला वीडियो है, नोट्स ऑफ म्यूज़िक, नोट्स जो रहते हैं म्यूज़िक में, वो ज़रूर देखिए। तो ये समझने में आपको काफ़ी आसानी जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सब लोग ये देखिए, एकदम बढ़िया चीज़ है ये। मेरा नया पेंस लिए हैं मैंने, सब बढ़िया कलर्स के, एकदम मज़ा आ गया मुझे ये देख के। तो आज एकदम कलरफुल बोर्ड रहेगा हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अभी मैं चारों पेंस निकाल लेता है, पहले नीचे रखता है। ठीक है, तो अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा तो हमने देखा था कि नो हमारे पास नोट्स रहते हैं, जो रहते हैं 12। ये थोड़ा सा पतला ब्रश है, आई गेस अच्छा दिख रहा है। ठीक है, अच्छा दिख रहा है। टोटल नोट्स रहते हैं 12, जिसमें से 7 रहते हैं नेचुरल नोट्स और 5 रहते हैं फ्लैट्स और शार्प्स। ठीक है, तो इसका ये जो बहुत ज़रूरी है हमें पता रहना कि टोटल 12 नोट्स है भैया, 7 है नेचुरल और 5 है शार्प्स और फ्लैट्स। ठीक है, तो मैं एक बार सारे हमारे 12 के 12 नोट्स लिख लेता हूँ एक लाइन में। ठीक है, तो स्टार्ट्स विद सी, फिर आता है सी शार्प, फिर आता है डी, फिर आएगा डी शार्प, फिर आएगा ई, फिर आएगा ई शार्प। नहीं, जैसे कि हमने देखा था बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, भैया इंजीनियरिंग के सामने कुछ नहीं है, है ना। तो ई के सामने डायरेक्ट ई शार्प नहीं आएगा, ई डायरेक्ट आएगा एफ। ठीक है, कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस में हम लोग एफ को ई शार्प बोल सकते हैं। ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे। एफ के बाद आएगा एफ शार्प, फिर आएगा जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, और बी के आगे भी शार्प नहीं है तो डायरेक्ट आएगा सी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। थोड़ा सा अभी भी मेरे को आदत पड़ने की लिखने की। ठीक है, तो हम लोग इसे अभी हमको देखना है कि इसके हिसाब से हम देखेंगे टोन और सेमी टोन क्या है। ठीक है, तो टोन मतलब क्या, सबसे पहले हम लोग देखते हैं टोन। ठीक है, अब टोन मतलब क्या रहता है कि टू स्टेप्स आगे। ठीक है, मतलब कोई भी अगर नोट लिया हमने, समझो लिया सी, तो मुझे टोन आगे जाना है, एक टोन चाहिए आगे। तो मैं जाऊंगा सी शार्प स्किप करूंगा और सी शार्प से जाऊंगा डी, तो सी के बाद टोन करना है मुझे, तो वो हो जाएगा डी। तो एक स्टेप आगे, मतलब एक स्किप करके ये लेना है मुझे। ठीक है, और सेम सेमी टोन मतलब क्या है, सेमी टोन। अब जैसा टोन मतलब एक स्किप कर रहे, सेमी टोन में नेक्स्ट जो नोट है वही, अगर हमने सी लिया और हमें सेमी टोन नोट चाहिए तो हम लोग डायरेक्ट सी शार्प लिखेंगे। ठीक है, तो सेमी टोन में नेक्स्ट नोट है एकदम से, और टोन में एक नोट छोड़ के। ठीक है, अगर आपको ये भी कंफ्यूज हो रहा है तो और एक एकदम सिंपल सा फंडा है जो आप यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या है कि टोन में आपको करना है +2, ठीक है, और सेमी टोन में करना है +1। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जितने जो नंबर अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे, उसको हम लोग दे देते हैं नंबर, जो कि आएंगे टोटल 11 ना 12। 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। अब नेक्स्ट सी जो है वो अपर ऑक्टेव है, तो वो मैं मिटा देता हूँ, हमें सिर्फ 12 नोट्स की ज़रूरत है। ठीक है, अगर मैंने कहा कि मुझे, अभी मैं ग्रीन पेन से लिखता हूँ, मज़ा आ रहा है मुझे एकदम। ठीक है, अगर मैंने कहा कि मेरा स्टार्टिंग नोट है ई, फॉर एग्ज़ाम्पल ई लिया। ठीक है, आई होप ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अगर मैंने नोट लिया ई, अभी मुझे इसका टोन आगे चाहिए। ठीक है, तो मैं करूँगा ई +2। ई क्या नंबर है, 5 नंबर है। ठीक है, तो मैं 5 + 2 करूँगा, तो क्या आया एफ शार्प, मतलब 5 + 2 7, और 7 क्या है, एफ शार्प है।
तो ये भी एक कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको ऐसा रखना है। बट इसका प्रॉब्लम ये है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से इसमें क्या नंबर है। बट दिस इज़ ऑल्सो अ गुड वे, ठीक है। अगर इसका ही मुझे टोन चाहिए होगा, सेमी टोन चाहिए होगा, ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा टोन। टोन के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस टू, ठीक है। ऐसे ही सेमी टोन चाहिए, अगर मेरा स्टार्टिंग नोट है एफ शार्प, एफ शार्प, ठीक है, एफ शार्प क्या नंबर है, सेवन, एफ शार्प इज सेवन, मुझे चाहिए सेमी टोन आगे, प्लस वन क्या हो गया, एट, एट नंबर क्या है, जी है, हो गया प्रूफ। तो सेमी टोन में क्या है, सेमी टोन एकदम नेक्स्ट वाला नोट, और टोन मतलब एक स्किप करके आगे वाला नोट, आई होप आपको समझ गया होगा। तो एकदम सिंपल है, बस याद रखिए कि शार्प्स कहाँ पे हैं और कहाँ नहीं है, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, आई होप आपको समझ गया होगा। बट कभी कभी ये भी हमें तकलीफ जाता है, तो इसलिए मैं सोचा इसका भी एक छोटा सा लेसन बना देते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए कि कहाँ पे कौन सा नोट रहता है, बाकी तो बहुत ईजी है। बस इतना मैं फिर से लिख देता हूँ एक, कि टोन इज सॉरी, टोन इज इक्वल टू नोट मतलब रूट नोट आर नोट प्लस टू, ठीक है, या फिर एक स्किप करना है, या फिर लिखता हूँ मैं यहाँ पे स्किप वन, ठीक है, और सेमी टोन, सेमी टोन इज इक्वल टू रूट नोट प्लस वन, या फिर लिख सकते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, आर मतलब रूट, ठीक है। आई होप आपको ये अभी समझ गया होगा। तो गाइस अगर आपको समझ गया है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए आपको समझ गया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्केल स्टार्ट करते हैं, कि स्केल्स कैसा फॉर्म होता है, मेजर स्केल देखते हैं पहले, तो आपको और मज़ा आएगा, अभी इंटरेस्टिंग होते जाएगा, थोड़ा सा लगता है बोर बट इंटरेस्टिंग भी काफ़ी है। तो आई होप आपको समझ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेसन में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।